हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आइए बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि नाइमा की बर्थडे पार्टी यहीं दादा दादी के घर सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, हम लोग ने सोचा और इतनी प्यारी पार्टी हो रही, इतने सारे बच्चे और फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं और शाहिन बाजी, फलक, अरिस, भाईजान भी आए। शाहिन बाजी ने पूरी हेल्प कराई खाना बनाने में, अम्मी ने हेल्प कराई और सभी लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी थे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, इस तरीके से बहुत चहल पहल घर में, बहुत प्यारा लग रहा था। और नाइमा का इतना प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, हमने भी बिल्कुल नहीं सोचे थे। और इतने सारे आइटम बने थे खाने के कि कोई भी नहीं खा पा रहा था, इतने ज़्यादा हो गए थे कि क्या खाएं एक दिन में, क्योंकि हम लोग इतना सारा बना लिए थे अलग अलग वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें। बट ये कि वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि बिजी मैं ही थी। जब मेरे खुद के घर का काम होता है तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाती। और शीरिन भी थोड़ा सा अपना, उसका भी छोटी है अभी, उसे भी लगता है कि मैं खेलूँ कूदूँ इंजॉय करूं। नाइमा बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। और ये जो केक है, इसकी मैं स्टोरी बताती हूँ। ये केक मैंने ही बनाए हैं और फलक ने जैसे तैसे मैनेज करके, क्योंकि मैंने जो सामान यहाँ से ले गई थी, आधा ले गई थी, आधा सामान नहीं था, टाइम नहीं था मार्केट जाने का, तो बहुत मतलब मैनेज करके और ऊपर का डेकोरेशन पूरा फलक ने इस तरीके से सजा दी थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और इतने अच्छे से डेकोरेशन, मैंने ये केक एक दिन पहले बना लिया था, ये नाइट में बनाई थी और नेक्स्ट डे कट गया था। अरिस भी आ गए थे, इतने अच्छे से वो हेल्प कर रहा था, लगा रहा था, तो मुझे इनकी याद आ गई क्योंकि अक्सर ये पहले इन लोग के बर्थडे में अरिस लोग के ऐसे ही करते थे, तो ऐसे ही लगाते थे कैंडल और डेकोरेशन करते थे। और आज देखिए, अरिस इतना बड़ा हो गया कि नाइमा के बर्थडे, मतलब इनके बच्चों के बर्थडे में अब अरिश लगा रहा है। तो नाइमा 8 साल की हो गई। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस नाइमा। तुम हजारों साल जियो, इसी तरीके से खुश रहो, हर चीज़ों से महफूज, बुरी भलाओं से महफूज रहो, हमेशा खुश और मुस्कुराती रहो। हम लोग की सभी की दुआएं हैं, दादा दादी की भी। सभी लोगों ने नाइमा को इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए, सभी ने विश किए, बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी पापा ने उसे दुआएं दिए, प्यार दिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा अम्मी पापा के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करके। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अम्मी पापा को भी थोड़ा वक्त सभी के साथ ऐसे मिलेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा चहल पहल। और सभी में बता रही, इतने प्यार से सभी ने, किसी ने कुछ मना भी नहीं किया कि नहीं करते हैं या नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल हाँ हाँ करके और इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए। और ये पूरे पापा मम्मी के यहाँ के मोहल्ले के बच्चे इतने अच्छे से सब लोग आ गए थे। और बाजी थी, शाहिन बाजी, बहुत अच्छा लग रहा था। फलक थी, बाजी ने पूरे टाइम मेरी हेल्प कराई, यानी हम दोनों ने मिल के ही सारी चीज़ें की हैं। बाजी बहुत पहले से आ गई थी घर में और मेरे साथ हेल्प करा रही थी। हम लोग ने मिल बांट के जो भी सब बनाए थे बहुत अच्छे से, और अम्मी ने भी इतना सारा जो बाहरी काम है पूरा देख रही थी। ये इन्होंने इतना सारा मार्केट वगैरह से सामान लाना ले, यानी सब इतना ज़्यादा बिजी थे। उसके बाद ये देखिए, केक वगैरह कटिंग हुई, तो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। ये पिक्चर्स वगैरह है, शीरिन की पिक्चर ज़्यादा नहीं आ सकी थी क्योंकि वो तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, यानी दूसरे काम हम कर रहे थे तो लेट। फलक ने सबको रेडी की, मेरा मेकअप भी फलक ने की थी, टाइमा का मेकअप भी, शीरिन का भी मेकअप, तो लेट हो गए थे। और फिर उसके बाद सभी बच्चों को नाश्ता वगैरह देना था, इस चक्कर में शीरिन की ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं आई। उसके बाद खाना था, तो मैंने ज़्यादा वीडियो बात का बिल्कुल नहीं बना है। हम इतने सारे लोग आए, सभी को खिलाए पिलाए, सभी के साथ रहे, लेकिन एक भी फ़ोटो वीडियो हम लोग नहीं खींच पाए क्योंकि मैं तो बिजी थी और ये लोग भी बाहर का देने लेने में, यानी सभी लोग इतना बिजी थे कि फ़ोटो खींचने का किसी के पास टाइम नहीं था, ना किसी को याद था। अक्सर क्या होता है, मैं किसी और के यहाँ जाती हूँ पार्टी में तो मैं फ्री रहती हूँ, बट घर का ही था तो मैं फ्री नहीं थी, तो मैंने नहीं ले पाई। इतने सारे बच्चे आए थे, सभी का ये देखिए नाश्ता वगैरह बनाए थे। अब इसमें केक वगैरह मैंने नहीं रखी थी, कट वगैरह करके सभी को खिलाए। इसके बाद खाना था सभी का, सभी लोग ने मज़े से खाना वगैरह खाए और
इनके फ्रेंड है वो भी आए थे, उनकी फैमिली को बुलाए थे, यहीं रहते हैं अम्मी पापा के घर के पास, मतलब यहीं शहडोल में ही, तो हम लोग ने बुला लिए थे सभी लोग। तो सभी के साथ इतना अच्छा लग रहा था, इतना इंजॉय किए, थोड़ा सा हम लोग का भी मूड फ्रेश हो गया। सोचे नहीं थे कि इतनी प्यारी नायमा की बर्थडे पार्टी हो जाएगी। और ये देखिए, ये मैंने केक इतना बड़ा, इतनी लेयर का, मजे का बनाई थी, टेस्टी बहुत ज़्यादा था। बट ये कि लुक में मत जाइए, जैसे तैसे मैनेज करके मैंने ये पूरा लुक तैयार की। शीरिन की एक दो फोटो है बड़े मुश्किल से, तो यही मैंने डाल दी थी क्योंकि बिल्कुल फोटो नहीं थी शीरिन की, तो एक दो ही मुझे मिली। और इन्होंने भी इतनी ज़्यादा, मतलब सब बिजी हो गए थे और हम लोग नॉर्मली, मतलब बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो पाए थे, नॉर्मली काम बहुत ज़्यादा था करने के लिए, इसलिए नॉर्मल तरीके से रेडी हुए थे। और बहुत प्यारा दिन था, बहुत इंजॉय करे, नायमा को सब विश कर रहे थे, इन्होंने गाने लगा दिए थे, यहाँ से म्यूज़िक सिस्टम ले जा लिए थे इन्होंने, तो यहाँ पर यानी जो स्पीकर आता है वो ले जा लिए थे, तो वहाँ पर वो स्पीकर लगा दिए थे, तो और प्यारा चहल पहल लग रही। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।